अरे आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं बेटे एडम। अच्छा ताऊ जी कौन आने वाला है? अरे ये मेरी बात कर रहे हैं जी, मैं ही हूँ वो मेहमान है। अरे ताऊ जी ये कौन है, आपके दोस्त है क्या? हाँ बेटा एडम, ये मेरे नए दोस्त डीनो जी है, ये मेरे पार्क के दोस्त है, सुबह सुबह हम साथ में जॉगिंग करते हैं। हाँ जी, दो तीन दिन पहले इन्होंने बोला हमारे घर पे आपको चाय पीने आना पड़ेगा, तो लो जी मैं आ गया। मम्मी यार पराठे बनाओ, भूख लगी है, मुझे बाहर काम से जाना है। अरे ये कौन है? रिप्सा। बेटा ये ताऊ जी के दोस्त है, उनके पार्क के। तो बताइए डीनो भाई साहब, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अरे कुछ भी चलेगा जी, जो आप पिला दे, मेरा बस चले तो ऐसे मेहमानों को मैं शहर पिला दूं। वैसे बताइए डीनो जी, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है आजकल? मेरे बेटे का तो इंटरव्यू टीवी में आया था जी, वो बहुत बड़ा सेल्समैन बन गया जी। वाह क्या बात है, ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी डीनो जी। हाँ खुशी की बात तो है, हर किसी के बेटे ऐसा नहीं कर पाते जी, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे हमारे भी कुछ कम नहीं। ये रेड क्रिमिनल है ना, ये नाच सकता है, चल बेटा नाच के दिखा। अच्छा ऐसी बात है जी, तब तो मेरे को भी देखने, चलो बेटा नाच। नहीं नहीं अंकल जी, ताऊ जी बहुत मजाकिया है, बहुत मजाक करते रहते हैं, मैं नहीं नाचता। रमजादी मेहमान के सामने मेरी इज्जत डुबाता है, मैंने बोला ना नाच तो नाच। हाँ ठीक है ताऊ जी, नाच रहा हूँ। ये देखिए डीनो अंकल, आप खुश हो गए ना? देखिए मैं नाच रहा हूँ, देखिए। देखा मैंने कहा ना, बहुत अच्छा नाचता है ना, एकदम टैलेंटेड बच्चा। बाबू मौसा क्या क्या करना पड़ रहा है क्रिमिनल को आज? और क्या, आज के बाद नीचे ही नहीं आऊंगा जब कभी भी हमारे घर पे मेहमान आए। वैसे नाचने में और टीवी पे आने में बहुत फर्क है जी। अरे ये तो सिर्फ एक बच्चे का टैलेंट है, अभी दूसरे बच्चे का टैलेंट आपने देखा ही कहाँ है डीनो भाई साहब। ऐसे टैलेंट तो सभी के पास होते हैं जी, पर हर कोई टीवी में नहीं आ सकता जी। हमारे हिप्पू का टैलेंट देख लीजिए एक बार। ए हिप्पू चल गोला छोड़ के दिखा। और ताऊ जी रहने दीजिए यार, क्या गोला छोड़ के दिखा, मेरा पेट एकदम खराब है, ज्यादा छूट जाएगा। नहीं मैंने बोला ना मेहमान को देखना है, तो चल छोड़ के दिखा। नहीं ताऊ जी हिप्पू का रहने दीजिए, वो सच कह रहा है, अगर ज्यादा गोला छूट गया तो हमारा घर भी गिर सकता है। सॉरी डीनो भाई साहब, हिप्पू का टैलेंट नहीं देख पाए, पेट खराब है ना उसका। कोई बात नहीं जी, मैंने बोला तो था हर किसी के बच्चे टैलेंटेड नहीं होते जी। अरे ये सारा मेहमान है या दुश्मन है, घर में आके ही आग लगा रहा है। चलिए जी मैं चलता हूँ, मेरे बेटे को टीवी पे जो देखने घर जाके। ये तो साला घर में आग लगा के चला गया। अरे नालायको कुछ करो, ये देखो सभी के बच्चे कितने आगे निकल गए हैं, तुम भी कुछ करो तो मैं भी ऐसी बड़ी बड़ी फेंक सकूं। ताऊ जी की बात भी सही है, हमने इतने दिनों से कुछ नहीं किया, कुछ करना पड़ेगा। सासा हम एक काम करते हैं, हम केबीसी में सड़ते हैं, फिर टीवी में आएंगे। हाँ क्रिमिनल पर हमें तो कुछ नहीं पता, उसके ऑडिशन वगैरह कब होते हैं। अरे मुझे पता है, कल ही होते हैं ऑडिशन, सड़िए सड़िए सो जाइए, कल चलेंगे वहाँ पे। क्रिमिनल फोन चार्ज कर लेना, रात को रैंक पुश करेंगे। अबे नहीं मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, इसमें है 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, फोन को बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता। ओए अगले दिन ओए। ये लो आदम सासा हम पहुंच गए, यही है केबीसी का सेट, यही पे होता है केबीसी। हाँ यार लगता है काफी लोग आए हुए हैं, पार्किंग में इतनी सारी गाड़ियां जो पड़ी है, वो तो अंदर जाके ही पता लगेगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आदम सासा, सड़िए अंदर चलते हैं। तो देवियों और सज्जनों, हमारा नाम है माइकल बच्चन और आप सभी का स्वागत है कोई बनेगा करोड़पति में, को पावर्ड बाय सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, जिसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर। भैया फोन चलेगा एकदम स्मूथ, बेस्ट गेमिंग फोन है, आप फुल ग्राफिक्स पे गेम खेल लो फिर भी फोन बिल्कुल लैग ना ही होगा। हाँ सही बोल रहे हैं माइकल बसन जी, मैं भी वही इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए खेला शुरू करते हैं फिंगर राउंड से, जिसकी फिंगर बड़ी है वो आ जाओ। आदम चाचा की उंगली बहुत बड़ी है। हाँ बाबू मौसा सही कहा, जाइए आदम चाचा। ठीक है चलो, तो पहले मैं ही जाता हूँ।
माइकल बच्चन जी, मेरी ग्रैनी आपकी बहुत बड़ी फैन है। एक बार बस स्क्रीन के सामने ग्रैनी को शाउट आउट दे दीजिए। ठीक है इनकी ग्रैनी जी, शाउट आउट टू यू। अरे ऐसे नहीं, एक बार बीमाल बोल दीजिए। अबे काका करवाते हो आप हमसे। ठीक है चलो बीमाल। शुक्रिया माइकल बच्चन जी। तो चलिए अब खेला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए ई रहा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, रशिया। अबे ऐसे कैसे बे, अभी तो हमने प्रश्न भी ना ही पूछा, इससे पहले तो तुमने ऑप्शन के साथ जवाब भी दे दिया। अरे मैं आडम हूँ, मुझे सब पता होता है, मुझे तो अगले का भी मालूम है। ऑप्शन बी पाइथागोरस थ्योरम। साला ये तो एआई से भी खतरनाक है, ये ना ही चलेगा बे। मुझे ना धनराशि की जरूरत नहीं है, एक काम कीजिए आप जरूरतमंद को दे दीजिए, मैं जाता हूँ। हाँ ये सही कहा, तो फिर से हम फिंगर फर्स्ट राउंड को शुरू करते हैं। अब तुम दोनों में से जिसकी फिंगर बड़ी है वो आ जाओ। हिप्पू की उंगलियां तो मेरे से भी छोटी है, इसका मतलब अब मेरी बारी है हॉट सीट पे जाने की। सही कहा बाबू मोसाई, तू जा, ऑल द बेस्ट। तो चलिए भैया, अब रेड क्रिमिनल जी हमारे साथ आ चुके हैं और इनके साथ खेला शुरू करते हैं। माइकल बच्चन जी, वैसे मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी फिल्म डॉन देख के ही तो मैं डॉन बना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। ये तो आपका बड़प्पन है। तो चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 1000 रुपयों के लिए। टोटल गेमिंग के ओनर अज्जू भाई के फेस रिवील की सच्चाई बताइए। ऑप्शन ए उन्होंने फेस रिवील कर दिया है। ऑप्शन बी उन्होंने फेस रिवील नहीं किया। ऑप्शन सी उन्होंने अपना एआई बना के बिठाया है। या ऑप्शन डी वो अज्जू भाई है ही नहीं, कोई और है। सर ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, हमारे साइंस चैप्टर में आया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर आप कंफ्यूज है तो पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, मैं पाइपलाइन फोन फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाहूँगा। अमित भाई को कॉल लगाया जाए। जी बिल्कुल कंप्यूटर जी, अमित भाई को कॉल लगाया जाए। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी आपका फोन नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी शादी हो गई है, बाय। ओम फो, अमित भाई तो बिजी है, तो अब आप क्या करेंगे? अरे मेरे पास उनका दूसरा नंबर है, चिंता मत कीजिए, अभी कॉल लगाता हूँ। हाँ बोल रहे क्रिमिनल, क्या हो गया, क्यों कॉल कर रहे लाए? अरे मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, आप बिजी तो नहीं है ना, बस 2 मिनट लगेंगे। नहीं रे, अपन इधर बंदों का काम तमाम करने आयेला था, हो गया, पूछ पूछ तू। तो प्रश्न अज्जू भाई के बारे में है, उन्होंने फेस रिवील कर दिया है, उन्होंने फेस रिवील नहीं किया, उन्होंने अपना एआई बिठाया है, या फिर वो अज्जू भाई ही नहीं है? सारे ऑप्शन गलत है रे, असली आंसर है ऑप्शन ई, अज्जू भाई ने नहीं, अजेंद्र भाई ने फेस रिवील किया है। तो माइकल बच्चन जी, इसका आंसर है ऑप्शन ई, अज्जू भाई ने नहीं, अजेंद्र भाई ने फेस रिवील किया है। सही जवाब, 7 करोड़ नहीं, मेरा मतलब है 1000 रुपए जीत चुके हैं आप। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से शख्स ने बॉलीवुड में काम किया है? ऑप्शन ए माइकल बच्चन, ऑप्शन बी डॉली चाय वाला, ऑप्शन सी आई शो स्पीड, या ऑप्शन डी नितिन फ्री फायर। अरे ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब मुझे मालूम है, आंसर है ऑप्शन डी नितिन फ्री फायर। अरे भाई साहब जल्दबाजी मत कीजिए, सोच लीजिए एक बार, कोई और भी हो सकता है। हाँ मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन है। अरे मुझे पता है माइकल बच्चन साहब, नितिन भाई ही है। तो ठीक है कंप्यूटर जी, रेड क्रिमिनल भाई साहब लाइफलाइन लेना चाहेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस। अबे मैंने कहा लाइफलाइन मांगी, ये तो मनमानी है भाई, लगता है तू कायर है और एक्सपर्ट तेरा भाई नितिन फ्री फायर है। ये लो नितिन भाई आ गए, एक्सपर्ट नितिन भाई आंसर बताइए इन्हें। ओए आंसर है ऑप्शन डी नितिन फ्री फायर है। अबे ये तो हद है, कंप्यूटर जी आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए यार। देखा सही जवाब, बता दिए थे मैं हूँ डॉन, माइकल बच्चन है आंसर। ओए बताया था ना मैं एक्सपर्ट हूँ, जिता दूंगा, चलो जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई नितिन फ्री फायर है।
चलिए समय समाप्ति का पोपू बच चुका है। अगर ये वीडियो पे व्यूज आए तो इसका अगला पार्ट जरूर आएगा, वरना नहीं आएगा। अरे इतनी सच्चाई भी नहीं बतानी थी माइकल बच्चन जी।